अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हमजाली एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टिप्स। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाया हूँ वो है दाल माश की। बहुत इजी रेसिपी है, कंप्लीट रेस्टोरेंट स्टाइल से, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स में मैंने सबसे पहले दाल ली है, मैंने इसे 80% बॉयल कर लिया है, बाकी जो 20% होगी वो हम भुनाई में वो कम्प्लीट हो जाएगी, पूरी बॉयल नहीं करना इसे। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज प्याज लिया है, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने टमाटर लिया है, टमाटर फ्रीज था इसलिए मैंने इसे चॉप कर लिया है, इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी, दूसरा टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें ली हैं आपके स्पाइस के मुताबिक, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा, नमक हसबे ज़ायका, ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर वो लिया है, और रेड चिली पाउडर लिया है, ये भी आपके टेस्ट के मुताबिक होगी। चलिए अब इसके अलावा हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करें, ऑयल शामिल करने के बाद ऑयल को थोड़ा गर्म होने दें ताकि हम इसमें प्याज फ्राई कर सकें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। प्याज शामिल करने के बाद इसे फ्राई करें, प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं। और इसे अच्छी तरह मिक्स करें। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर की ग्रेवी ये ऐड कर दें, हरी मिर्चें ऐड कर दें और इसे मिक्स करें। और इसी में हम रेड चिली पाउडर ये ऐड कर देते हैं और नमक आपके टेस्ट के मुताबिक जितना आप यूज़ करें। ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें, हम इसे थोड़ा पकाएंगे ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए। इसे थोड़ा सा पकने दें, हमारा पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसमें दाल ऐड कर देते हैं जो हमने बॉईल की हुई थी, अच्छी तरह से ऐड कर लें। और इसे अच्छी तरह मिक्स करें, मीडियम फ्लेम पर आपने इसे बनाना है। ठीक है, हमारी दाल अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, अब हम इसे स्टीम पर रखेंगे ताकि दाल थोड़ी सी गल जाए, फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। देखिए दाल को मैंने 15 मिनट स्टीम दी थी, अच्छी तरह गल चुकी है, अब हम इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे हाई फ्लेम पर। आपकी बुनाई जितनी अच्छी होगी
उतनी ही टेस्टी बनेगी। अच्छी तरह इसकी भुनाई करें। हमारी थोड़ी सी भुनाई हो गई है, अब हम इसमें जीरा पाउडर और धनिया पाउडर ये शामिल कर देते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स करें। इनसे खुशबू बहुत अच्छी आएगी और तो इसका कलर भी बहुत अच्छा बनेगा। अच्छी तरह मिक्स करें। और इसकी अच्छी तरह भुनाई करें। दाल की भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है, अब एंड में हम इस पर हरा धनिया ये डाल देते हैं। धनिया ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें लेमन भी यूज कर सकते हैं अगर आप इसे थोड़ा चटपटा करना चाहें। हमारी दाल पूरी तरह से तैयार है, चले अब हम इसे सर्व करते हैं। आपने देखा कि आज की हमारी रेसिपी थी दाल माश, बहुत इजी रेसिपी थी, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे ब्लॉग पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँगा। खुदा हाफिज़।